होगा लेना होगा, नमस्कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं पलटू ऑफिशियल। जी हां दोस्तों, आज पूरे झारखंड में झारखंड बंदी का आह्वान किया गया था, उसको आज हम लोग को यहां मिलन चौक में भी यानी कि इचागर प्रखंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं वो है जो नियोजन नीति गलत है, लोगों का कहना, छात्र का कहना है, इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे और आपको ही बताने की कोशिश करेंगे आखिर आज का जो आंदोलन है, आज का जो बंदी है, झारखंड बंद वो कितना तक सफल रहता है। तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोग जो यहाँ पे बंदी का आह्वान किए हैं ऑल ओवर झारखंड में, तो यहाँ पे कितना ज्यादा असरदार हो रहा है आप लोग को लग रहा है? पूरे झारखंड में संथाल से लेकर कोल्हान तक और पलामू से लेकर देवघर तक हर जगह झारखंड बंद का असर दिखा जा रहा है। और ये झारखंड बंद आज का नहीं है, ये हम लोगों का पूर्व नियोजित है। छात्र नेता जो थे बड़े भाई देवेंद्र महतो जी, मनोज यादव जी, जयराम महतो, जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, सबको झारखंड बंद का आह्वान किया था आज 19 अप्रैल को। इसका हम लोग पूरे बंद आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। छात्र जब तक ये नीति वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग आगे और रणनीति के तहत हम लोग कार्यक्रम को और आगे करने का प्रयास करेंगे। ये कितना यहाँ कौन कौन ऐसी गाड़ियों को आर पार होने की मतलब आवाजाही को आप लोग बाधित नहीं किए हैं जो आंदोलन के माध्यम से, ये बता दीजिए कि कौन कौन गाड़ी जा सकती है, कौन कौन नहीं जा सकती, किन किन चीज़ों पे बैन आप बैरिकेड किए हैं, नहीं जाने की परमिशन दे रहे हैं? जैसे मानवता के हिसाब से हम लोग एम्बुलेंस को, सब्जी गाड़ी को और दूध गाड़ी, जो भी दैनिक कार्य के प्रति दैनिक यूज है उस चीज़ को, गाड़ी को हम लोग आवाजाही नहीं रोक रहे हैं, बाद बाकी हर गाड़ी को हम लोग रोक रहे हैं। जिस तरह से सभी यहाँ पे जितना भी युवा साथी हैं हमेशा कहीं ना कहीं रोजगार और अपनी नीति से नाखुश होकर सड़कों पर, कभी सदन के बाहर, तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे और भी युवा साथी लोग हैं, क्रांतिकारी साथी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं एक्चुअली जो नियोजन नीति है जो गलत बनती जा रही आप लोगों का कहना है, तो क्या आज का ये जो झारखंड बंदी का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि झारखंड बंदी का असर पूरे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है? जिस तरह से आपको यहाँ पे आप कर रहे हैं जलनशील, आप बंदी का आह्वान कर दिए हैं, तो क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए ये तो आह्वान किया गया था और इसका अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिला है, और फिर भी सरकार अगर 47 नियोजन नीति वापस नहीं लेती है तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा और मजबूती के साथ होगा, और इसमें बूढ़े बच्चे जवान सब कोई फिर से 7% लोग आएंगे, वापस लेना ही होगा सरकार को, यही कहना चाहते हैं। जी जी, और भी लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार JSCC टीम द्वारा 3 दिवसीय आंदोलन कार्यक्रम रखा था मसाल जुलू मुख्यमंत्री आवास घेराव से लेकर झारखंड बंदी तक, आज का डेट है झारखंड बंदी का, क्या लगता है कि 60-40 नीति वाकई सरकार उसको वापस लेगी कि हम अपनी वक्तव्य को? नहीं नहीं, ये नीति सरकार को वापस लेनी पड़ेगी। हम विद्यार्थी हैं, अपना हक का बात करते हैं। 60-40 के बाहरी के लिए खोल दिया गया है, हम खुद एक PGD का स्टूडेंट है। अगर बाहर वाले उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, दिल्ली, उस सब में पढ़ने वाला बच्चा अगर यहाँ के, हम लोग से फाइट, हम लोग कहाँ ग्रामीण क्षेत्र से रांची पढ़ने के लिए जाते हैं, तो इसे वापस लेना ही पड़ेगा। ये हम लोग का शुरुआती आंदोलन है और इसका हम लोग पूर्णतः समर्थन करते हैं, उसको विरोध जो 60-40 नीति है इससे झारखंडी स्टूडेंट को क्या दिक्कत हो रही है जो इसका विरोध कर रहा है? 60-40 पूरा दिक्कत है झारखंड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जो 60% है यहाँ के मूल के लिए है, और उसमें भी जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इसमें बाहर का स्टूडेंट आके यहाँ का डोमिसाइल ले लिया है, OBC, ST SC का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना लिए हैं, इससे उनका क्या होगा, ये आरक्षण में भी जाएंगे, और जो बाहरी आएंगे 40% हुए तो इलाहाबाद वगैरह बाहर के स्टूडेंट बिहार वो ओपन हो जाएगा, इससे कटअप भी बढ़ जाएगा और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो यहाँ पे झारखंड बंदी का असर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे आवाजाही बाधित है और वैसे चीज़ों को जाने दिया जा रहा है जो जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा हो, जैसे वो चीज़ को रखा गया है जो आज के डेट में झारखंड बंदी कहीं ना कहीं बहुत पहले से आह्वान किया गया था, उसका असर हमें इचागर प्रखंड के मिलन चौक हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय,
झारखंड कैबिनेट मंत्री मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन हाय हाय, बारी हितेशी हेमंत बाबू होश में आओ, होश में आओ, 60-40 नहीं चलतो, नहीं चलतो, नहीं चलतो, 60-40 वापस लेना होगा, लेना होगा, 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 बारियों को नौकरी देना बंद करो, बंद करो, झारखंडियों को पूर्णतः नौकरी देना, रिजर्व करो, रिजर्व करो।